केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। क्या बढ़ने वाली हैं स्वास्थ्य मंत्री की मुश्किलें? दिल्ली में सत्तासीन केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक कई आरोप लगने के बाद सरकार के कई मंत्री जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। हाल ही में सीबीआई ने सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी और अब जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन के घर पर दस्तक दे दी है। खबर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई ने उनके घर जाकर उनकी पत्नी से पूछताछ की। इस पूरे मामले पर सीबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन की पत्नी से पूछताछ के लिए वक्त लिया गया था और ये किसी तरह की रेड या छानबीन का मामला नहीं है। इससे पहले सीबीआई सत्येंद्र जैन से भी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई आरोप हैं। आरोप है कि साल 2015-16 के दौरान लोक सेवक रहते हुए जैन प्रयास इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अकिन चंद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 4,63,00,000 रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में वो शामिल थे। जैन के खिलाफ आरोपों में इन कंपनियों और इंडो मेटल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए साल 2010-12 के दौरान 11,78,00,000 रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। जैन के खिलाफ इसी साल अप्रैल महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक जांच शुरू की गई थी। हालांकि सत्येंद्र जैन खुद पर लगे आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं। जैन का कहना है कि हवाला कारोबारियों से उनका कोई नाता नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, उससे आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार की सेहत पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।